इससे मैं बिल्कुल भी ओपन नहीं कर पा रही हूँ। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता क्यों मेरे अंदर हिम्मत नहीं इसे ओपन करने की। आने पे ये किससे बातें कर रहा है और ये हंस रहा है। मुझे माफ़ कर दो मेरे फेलो स्टूडेंट, मेरा मतलब नहीं था ये डोर को क्लोज करना का जानबूझ के। इसे जाने दो। क्या है मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा? क्या है सिंसियर नहीं अगर हम फेस टू फेस बातें करेंगे? व्हेन यू फैंग, याद रखना मुझे कॉल करना फ्यूचर में। गुड गर्ल। क्या वो ऑर्डिनरी क्लासमेट है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जब वैन्यू इतना इरिस्पॉन्सिबल फॉलोवर है, इसके जो स्कूल बुली हेंच में, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है कि तुम उसके फुल नेम से बात कर पाओ? वो उसके पास एक यूनिक टेस्ट है, वो सिर्फ पसंद करता है जब लोग उसके फुल नाम से कॉलें। ओह माय, नेक्स्ट टाइम शायद तुम्हें भी उसे ऐसा कहना चाहिए। वैल मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, बट एक एक्सक्लेमेशन ऑलरेडी डोर पर आ चुकी है। अगर तुमने जल्दी फास्ट एक्ट नहीं कराना तो शायद लिंक के साथ एंड अप होगी, जो कंपस ब्यूटी के साथ। क्या लिंग यू है? ये सच में बहुत टॉल है और बहुत प्रिटी भी है। अपने आप को बेचना मत शॉर्ट होने के नाते लिटिल वन, तुम जैसी हो ना वैसी बहुत अच्छी लगती हो। हाई डिटरमाइन जेनेटिक फ्रॉम बर्थ, सब कुछ अच्छा है। कोई स्मॉल है ना और पेश तुम्हारी तरह बहुत क्यूट हो सकते हैं। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है अभी? जब मैंने स्कूल बल के साथ, वो तुम्हें बाहर क्यों नहीं आने दे रहा था? और उसने क्यों पूछा कि कौन तुम्हारे लिए ढूंढ रहा है? इसने ये पूछा था कौन यहाँ किन किन को ढूंढ रहा है। और वो जो लुक था ना इसकी आंखों में बहुत ही डरावना था। मुझे लगा था कि शायद मैंने उसे ऑफेंड कर दिया है, बट जब मैंने एडमिट कर लिया तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे स्ट्रेंज मिला। क्या हुआ? ये वीकेंड बहुत जल्दी आने वाला है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान्स है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहूँगी। मेरे पास टाइम नहीं है, बट लेशे ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी ट्रबल नहीं होगी किसी से भी। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बिजनेस के अंदर घुसे। तुम बेटर है कि हमेशा की तरह मुझे परेशान ना करो। और सो मैं जानता हूँ जो बकवास है ना कि फैल रही है कि एक्स गर्लफ्रेंड बनने की, मैं जानता हूँ एग्जैक्टली इसके पीछे कौन है। लिंग शियांग के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया पास से और कुछ भी नहीं करा, बट याद करना मेरे पेशेंट्स है ना वो लिमिटेड है। कैंपस पहला, ये लिटिल क्लास में कैसे अच्छी लग सकती है? 6:30 बजे मॉर्निंग ग्रैंड मा, रिंग रिंग रिंग। किंग, क्या तुम जानते हो कैंपस बेला लिंग है ना, उसने गर्लफ्रेंड करा है कि उसका कुछ भी लेना देना नहीं है बुली बैंड के साथ। अब ये फर्स्ट केस में था, तुम वो फर्स्ट लड़के हो जिसके पास स्पेशल रिलेशनशिप है स्कूल बुली बैंड के साथ। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ में पकड़ लो, आराम से खाओ, जल्दबाजी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हें किसने बताया? मैंने ये सुना था क्लासमेट से जब मैं 1 मिडिल स्कूल में थी। वाओ, देन उन्होंने सच में से गलत समझा। ये जो अफ्फा है ना ज़्यादा कैपेबल नहीं, क्रेडिबल नहीं है। लिंग यू उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड स्कैंडल थी, तो इसीलिए सब लोग बहुत जल्दबाजी में थे इसे वेरीफाई करने के लिए। और तुम जानती हो इससे पहले तुम जब आए थी ना, हमने कभी नहीं सुना था कि इनफैक्ट इतना प्रोटेक्टिव है और क्लोज है किसी लड़की के साथ। और जिस लड़की ने उससे कन्फेस करा था ना, वो सारी उससे डरती थी कि ये तो नहीं मैंने सच में उससे गलत समझा, शायद वो इतना फैबुलस लड़का नहीं है जैसे मैंने उसे इमेजिन करा था। तो सीनियर, क्या हम प्लीज़ जीपे काइंडनेस को अब से रोक दें? क्योंकि मेरा वन साइडेड ख्याल, मैंने कुछ हार्श कह दिया था उस दिन। स्वीट हार्ट, तुम खा क्यों नहीं रही? ग्रैंडमा नहीं खा रही, मैं स्कूल जा रही हूँ। हे किड, तुम ज़्यादा कुछ मिस नहीं करोगे अगर तुम मील फिनिश कर लोगे? खाने जाने से पहले खाओ। नहीं, मुझे सच में जाना होगा ग्रैंडमा। 1 मिडिल हाई स्कूल डिवीजन इन द आफ्टरनून। किंग किंग, ये हमारी टर्न एंड ड्यूटी की आज, बट मेरे को कुछ है करने के लिए। तुम ब्लैक बोर्ड वाइप कर दोगे इस पीरियड में और मैं नेक्स्ट पीरियड का। हाँ ओके, जो चाइनीज टीचर है ना उसमें सच में उन्हें बहुत पसंद है ब्लैक बोर्ड पर लिखना, इतना टोल है। मैं तो वहाँ स्टूल पर खड़े होके भी नहीं पहुँच सकती। शॉर्ट होना सच में कई बार बहुत बुरा होता है, ये सच में एम्बैरसिंग है। यू फैंग के बारे में बात करो, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं बाद में। वो कहाँ है? ओ जैसा एक्सपेक्ट करा था, नीचे आऊँ? हाँ, ये सच में वो डेंजरस है, सीरियस है। ओ तेरी अचानक से इतनी अफेक्शन, पीछे खड़ी रहो। ये बहुत अच्छा होता होगा इतने लॉन्ग लेग्स होने के।
इस लाइफ में आई गेस ये मेरी किस्मत नहीं है कि मैं लॉन्ग लैक वर्ड से इतनी अफेक्शन ले पाऊँ। यू वैन यू फैंग कभी नहीं सोचा था कि तुम ब्लैक बोर्ड वाइप करोगे। मैं हमेशा सोचता था कि तुम अपनी ड्यूटी रोस्टर होंगे। किंकिंग तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं ड्यूटी पर हूँ, ये सुपरवाइज कर रही है। ऐसे ही है ना जूनियर। हेलो एवरीवन, ये वाला ट्रांसलेक्शन यहीं तक। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना और मेंबरशिप ज्वाइन करना भी मत भूलना। थैंक यू।